आने वाली पीढ़ी का जीवन बचाना है तो पेड़ लगाने जरूरी है। सिर्फ पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, इसे बचाना और बच्चों के जैसे इसकी परवरिश करना भी आवश्यक है। आज के दौर में वाटर हार्वेस्टिंग हर घर में होनी चाहिए ताकि बारिश का पानी सीधा जमीन में जा सके। प्रकृति की सेवा ही भगवान की सेवा है। यह बात संत अनिरुद्ध महाराज ने चिंता कॉलोनी में कही। वे कोष्ठी समाज युवा समिति द्वारा आयोजित भागवत कथा के समापन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कृष्ण सुदामा प्रसंग का मंचन किया गया। इस दौरान जितेंद्र कौल, महेश वर्मा, संतोष कौल, गीता वर्मा मौजूद थे। आयोजकों के मुताबिक 7 दिन कथा में 40,000 भक्तों ने भाग लिया। यहाँ पर हमारे समाज के द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया। हमारा उद्देश्य समाज में एक धार्मिक, हमारे समाज में धार्मिक लोग रहते हैं, उनके भावना को देखते हुए हम लोगों ने एक धार्मिक आयोजन किया और सभी समाज बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ा आयोजन हम लोगों ने किया है यहाँ पर और सभी को ध्यान में रखे आयोजन किया। हाँ, यहाँ पर निःशुल्क शादी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। इसकी सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। महाराज जी जहाँ भी जाते हैं अपने मतलब जब रुक्मण विवाह होता है तो वहाँ पर जो है कि शादियाँ निःशुल्क शादियाँ करते हैं। निःशुल्क मतलब कन्याओं का विवाह यहाँ पर करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं, 3 कन्याओं का विवाह यहाँ पर होगा। इसकी सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है, महाराज के द्वारा बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पर की है। जितेंद्र कौल, अध्यक्ष समाज समिति।